किस्म के रूहानी जिसमानी मसाइल और वसाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें नहमदी रसूल करीम अम्मा बदजी बिस्मिल्लम रही सताइसवें शब जिसे ललतुल्कदर की रात कहा जाता है उस रात का बहुत ही खास वजीफा है जिसकी बदौलत हर किस्म की लाइलाज इलाज बीमारियाँ अमराज से इंसान को छुटकारा मिल जाता है अगर इस मुजरब अमल को इख्तियार किया जाएगा कोई भी मुश्किल बीमारी है जिसमें डॉक्टर्स ने लाइलाज कह दिया और जवाब दे दिया और बंदा ना उम्मीद हो चुका है और अब शिफा की उसे उम्मीद नज़र नहीं आती कि उस बीमारी से उसको निजात मिलेगी लोग कैंसर के अंदर हेपाटाइटस की आखिरी स्टेजिस के अंदर या गुर्दों के अराज़ के अंदर दिल की बीमारियाँ हों फेफड़ों की जिगर की बीमारियाँ हों कोई भी जिसमानी बीमारी हो उस बीमारी के लिए सत्ताईसवीं शब को जब रात तरावी से फारग हों और तहजद के वक्त सहरी से पहले कोई आदमी भी मर्द या औरत सत्तर मरतबा सुरह क़द्र को पढ़ लें और सत्तर मरतबा सर कदर पढ़ने के बाद पानी पे दम करके पिए और मरीज़ को उससे गसल भी दिलवाया करें चंद अरसा वो पानी बढ़ाते रहें और पीते रहें इन मरीज को हर किस्म के मुजी या सख्त बीमारी हो उससे निजात मिल जाएगी जिसम में नकाहत हो कमज़ोरी हो और ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टर्स को समझ ही ना आती हो तो वो भी इंसान की इन श्ला इससे दूर हो जाएंगी सुर क़द्र रात में सत्तर मरतबा पढ़ें अल आखिर तीन तीन बार दुरुशी पढ़ लें और वह पानी पर दम कर लें पानी बढ़ाते रहें और पीते रहें इन शिफा देगा सत्ताईसवीं शब को जया मस्जिद शेबी के अंदर हमारे यहाँ चूँकि सुर क़द्र के पानी का दम करके हम उन लोगों को जो पानी लेकर मर्द हजरात आएँगे इशा के नमाज में और शब जुमा भी है उस दोनों चीज़ों को यकजा अल्लाह ने कर दिया स्तईसवीं शब और शब जुमा तो ये बहुत ही शिफा वाली रात है तो इस अमल को जो खुद करना चाहें घरों में करें वरना हम इन श्ला वहाँ आने वालों को वो सुर कद्र का पानी दम करके इन देंगे और उस पानी से जो मरीज़ भी पिएगा अल्लाह उसको शिफा अता फ़रमाएगा और घरों से अमराज निकलेंगे आप ये अमल ख़ास तौर पर इख्तियार करें अल्लाह आपके घरों से बीमारियाँ रूहानी जिस्मानी हर किस्म की बीमारियों को ख़त्म फरमाएगा व आखिर रब्बिल आलमीन